नेपाल की पावन भूमि आध्यात्म की सुगंध से सराबोर है। ये जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर ऐसा ही एक स्थान है, जिसके विषय में ये माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव की मौजूदगी है। दोस्तों, आज हम आपको नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े उन आश्चर्यजनक तथ्यों और पौराणिक मान्यताओं को बताएंगे, जिसे जानकर आप भी इस बेहद प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन, और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्वपुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत है। कुछ बुद्धिजीवी ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने के पहले से ही स्थापित हो गया था और इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडव द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का बहुत अधिक पछतावा था और वे इसका निवारण करना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को इस गोत्रवध के दोष से मुक्ति पाने के लिए शिव की शरण में जाने को कहा। ये सुनकर पांडव शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने जघन्य कांड किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडव को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पांडवों को उनका भेद पता चल गया और वे उनका पीछा करने उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौरी के दौरान भगवान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वे पुनः अवतरित हुए तब उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। कहते हैं जहां उनका मस्तक गिरा उस जगह को पशुपतिनाथ कहते हैं, और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना जाता है। बैल का कुबर जहां गिरा उस जगह को केदारनाथ कहा जाने लगा। बैल के आगे की जो टांगे जहां गिरी उस जगह को तुंगनाथ कहा जाने लगा। ये जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंह जहां गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े जहां जहां मिले वह धार्मिक स्थल बन गया। कहते हैं केदारनाथ और पशुपतिनाथ इन दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ में भैंसे के सिर और केदारनाथ में भैंसे की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को ले जाए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। नेपाल की सामान्य जनता और स्वयं राज्य परिवार के लिए भी पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग ही उनके आराध्य देव है। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित तौर पर यह पशुपतिनाथ के धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व को दर्शाता है। जैसे कि हमने आपसे पहले कहा कि नेपाल की पावन भूमि आध्यात्मिक की सुगंध से सराबोर है। ये जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलू से जुड़ी है, लेकिन इस देश को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बेहद उठापटक और पतन का दौर देखना पड़ा। ज्यादातर लोग नेपाल को सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से ही देखते हैं, पर नेपाल पर्यटन की दृष्टि से सर्वोत्तम तो है ही, साथ ही साथ इस भूमि पर ऐसे बहुत सारे अलौकिक राज दफन है जो कि अति प्राचीन है
और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। और आज जो हम यहाँ देख रहे हैं और जो कुछ भी बचा है वो भी हर मायने में असाधारण है। दोस्तों, अगर मौका मिले तो नेपाल दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ के अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी। यहाँ आने वालों को और करीब से इस जगह को महसूस करने वालों को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स